हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ हिना और अब देख रहे हो चिकन किचन। तो कैसे आप सभी लोग, आज आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ चिकन समोसा की रेसिपी, जो कि ऊपर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी चीजी फीलिंग होगी। इसकी खाने में बहुत ही ज्यादा यम्मी होते हैं, इसे बनाना बेहद ही ज्यादा आसान है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो फिलिंग बनाने के लिए एक वेसल मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। इसमें मैंने आधा कप के करीब ऑयल डाला है। ऑयल जैसे गर्म होता है फ्लेम को लो कर देगा। एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है और उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है स्प्रिंग ऑनियन, जो होता है ना उसका व्हाइट वाला पार्ट, मतलब कि व्हाइट वाला पार्ट जो होता है ना उसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो वो इसमें डालकर हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा इसे बस पकाएंगे हम। कुछ वेजेस इसमें जाएंगे तो मैंने लिया है एक कप कैरेट। इसे ना ऊपर का मतलब कवर जो होता है ना उसमें डर्ट बहुत ज्यादा होता है तो वो निकाल देना है और इस तरीके से स्ट्रिप्स कट कर लेना है पतला सा और वो ऐड करना है। एक कप मैंने लिया है कैप्सिकम, इसे भी पतले पतले स्ट्रिप्स कट करना है, जितना पतला हो सके उतना करना है। और यहाँ पे कैबेज लिया है मैंने एक कप भी, मतलब जितने भी वेजेस है ना सब सेम क्वांटिटी में लिए। आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग और भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेसिक नॉर्मली जो इस्तेमाल की जाती है ना वेजेस वो मैं बता रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और हमें हाई फ्लेम पर इसे पकाना है। इसे इसका कच्चापन हमें ख़त्म नहीं करना है, हल्का क्रंची होना चाहिए ये। तो इतना हम कुछ मिनट ही पकाएंगे, मतलब एक मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा बस पकाएंगे हम इसे। अब इस स्टेज पर आने के बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और यहाँ पर मैंने लिया है चिकन। तो एक कप चिकन लिया है, इसे शेड कर लिया है, मतलब कि चिकन को मैंने बॉयल किया था, बोनलेस चिकन को, या तो बोन वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर मैंने बॉईल कर लिया था और फिर इसे श्रेड कर लिया इस तरीके से। तो वो इसमें जाएगा और मिक्स कर लेंगे हम सब चीज़ों को, चिकन को भी वेजेस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इसको पकाना नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया ये क्रंची होना चाहिए, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। कुछ मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, उसी के साथ इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून के करीब, और यहाँ पे ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़ते हैं। अब इसमें जाएगा वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून मैंने डाला है, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं आप। और उसी के साथ इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ही जाएगा, और यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला, तो चाट मसाला भी 1 टीस्पून ही डाला है। अब इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए ना मैंने लिया है मैजिक मसाला, जो कि एक पाउच में ऐड कर रही हूँ। ये तो कोई भी किराना शॉप में आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये डालिए और मिक्स कीजिए, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है देखिए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें कुछ सॉसेस हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर ना मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के करीब डार्क वाला सोया सॉस, ये डार्क वाला है ना, इसके लिए 1 टेबल स्पून लिया है। अगर नॉर्मल वाला है आपके पास तो 2 टेबलस्पून भर के लेना है। 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप हम इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को फिर से एक बार। इस अब इसे क्रीमी और चीज़ी टेक्सचर देने के लिए ना मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ मेयोनीज़। तो होममेड मेयोनीज़ मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की हूँ अपने चैनल पर, अगर नहीं वॉच किए तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं मार्केट वाला यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 कप के करीब मैंने डाल दिया है। उसी के साथ यहाँ पे चीज़ें बनाने के लिए चीज़ स्लाइसेस में इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मेरे पास अवेलेबल थे तो मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी अपने मर्जी के मतलब चीज़ डाल सकते हो, मोज़रेला चीज़ होता है, क्यूब चीज़, जो भी आपको पसंद है वो चीज़ आप इसमें डालिए। और क्वांटिटी भी अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को और जैसे कि फीलिंग गर्म है तो चीज़ जो है ना वो जाते साथ ही मेल्ट हो जाएगा। तो इस स्टेज पर आने के बाद फ्लेम को हम बंद कर देंगे और सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीज़ जो है मेल्ट ना हो जाए। अब यहाँ पर हमारी समोसे की जो फीलिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और क्रीमी है, ये बनके रेडी हो गई है। इसे ठंडा होने का वेट करेंगे हम। जो फीलिंग है ना वो ठंडी हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने लिए हैं समोसा शीट्स, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, तो वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये शीट्स नहीं है या नहीं मिलती हैं आप लोगों को, तो आपको करना है कि मैदा लेना है 1 कप के करीब, थोड़ा सा नमक ऐड करना है उसमें और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके पानी से गूंद लेना है उसे सॉफ्ट। रोटी जिस तरीके से रोटी का आटा गूंदा जाता है ना, सेम उसी तरीके से हमें गूंदना होगा और उसकी रोटी बेलनी होगी पतली सी, जितना पतला हो सके उतना पतला करना है। और देखिए इस तरीके से रेक्टेंगल साइज के पट्टियाँ कट करनी है और जैसे मैं फोल्ड करके बता रही हूँ सेम उसी तरीके से आप करोगे ना, तो सेम इसी तरीके से आपके भी समोसे बन के रेडी हो जाएंगे। समोसा शीट्स आप घर पर इजीली बना सकते हो, ये एक तरीका है समोसा शीट्स बनाने का होममेड। तो यहाँ पे तो फिलहाल मैं मार्केट वाले ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए इसे फोल्ड करने का तरीका, जैसे कि आप लोग देख रहे हो इस तरीके से फोल्ड किया जाता है। एक और बताती हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से फोल्ड किया जाता है। तो साइड में ना हम लोगों को सबसे पहले मैदा जो है ना वो उसकी स्लरी बनानी है। एक बाउल में थोड़ा सा मैदा लेना है 1 टेबल स्पून के करीब और थोड़ा सा पानी डालकर ना एक स्लरी बनानी है, मतलब एक घोल बनाना है, ताकि समोसा जो है इसकी शीट्स जो है हम समोसा बनाएंगे तो
स्टिक हो सके। तो यहाँ पे देखिए ये शीट लेना है हमें, समोसा शीट, और इस तरीके से हमें नीचे के साइड फोल्ड करना है फिंगर रख के। और ये यहाँ पे ख्याल रखना है कि इसमें होल नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और इसमें फिलिंग भर देंगे। एक साइड ही मैंने फोल्ड किया है, अब इसे फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे हम, देखिए इस तरीके से। ज़्यादा ओवर इसे फिल नहीं करना है, नहीं तो इसे लपेटने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब बचा हुआ ये जो है इसके ऊपर हम स्लरी लगाएंगे, जो मैदे की हमने बना के रखी है, मैदे का घोल, जो कि अच्छे से स्टिक करेगा समोसे को। तो ब्रश के हेल्प से या तो फिंगर के हेल्प से भी आप लगा सकते हैं। इसे फिर से एक बार फोल्ड करेंगे ऊपर की साइड में, देखिए इस तरीके से फोल्ड किया जाता है, बहुत ही इजी तरीके से फोल्ड होता है। और लास्ट में हम एंड में देखिए इस तरीके से स्टिक कर देंगे, तो इजीली हो जाता है। अरे बन के रेडी हो गया समोसा, जो कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बना है इसका शेप, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो जितने भी समोसा है सबको इसी तरीके से मैंने फिल कर दिया है। देखिए अब बारी आती है इसे फ्राई करने की, आप इसे स्टोर करके रख सकते हो 1 मंथ के लिए, फ्रीजर में रखना है एयर टाइट कंटेनर में भरकर, बीच में पॉलीथीन बैग या बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ना पहले से मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल जैसे गर्म होता है फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना होगा, क्योंकि ये जो शीट्स होती है बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, तो ये जलने में समय नहीं लगता है, इसके लिए लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल को हॉट नहीं करना है, नहीं तो ये समोसा जाते साथ ही जल जाएगा। एक साइड से जब हो जाएगा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो इसे पलट देंगे, दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। स्पेस रखकर हमें समोसे को ऐड करना है, और ये फ्राई होने में मतलब बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, फटाफट हो जाता है। देखिए एक साइड से हो गया, तो इसे मैं पलट दूंगी, दूसरे साइड से भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अगर होममेड शीट का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसी तरीके से आपको फ्राई करना है, लेकिन वो पेशेंस रखकर करेंगे, क्योंकि होममेड शीट हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसे थोड़ा समय लगता है। ये हो चुका था, तो एक जाली वाला स्पून हम लेंगे, इसके ऊपर ये जो समोसा इसे निकाल लेंगे, या तो टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसे हम निकाल लेंगे। मैं तोड़कर ही बताती हूँ आप लोगों को किस तरीके से ये क्रिस्पी और चीज़ी है। देखिए आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करना, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान से रेसिपी के साथ, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।